हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाबा रामदेव बोले, 2014 में संकट के समय मोदी का दिया था साथ, अब 2019 में रहूंगा राजनीति से दूर। बाबा रामदेव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो 2019 में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में वो राजनीति से दूर रहेंगे। बाबा रामदेव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो 2019 में बीजेपी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। 2014 में उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी का इसलिए साथ दिया क्योंकि तब संकट का समय था, जो अब नहीं है, इसलिए वो सर्वदलीय भी हैं और निर्दलीय भी। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं हमेशा राष्ट्र प्रथम के लिए सिद्धांत पर कार्य करता हूँ। मेरी राजनीतिक भूमिका ये सुनिश्चित करने के लिए सीमित है कि अच्छे देश द्वारा अच्छे लोगों द्वारा शासित है। मैंने खुद को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अन्य मुद्दों के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए मैं खुद को गैर राजनीतिक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जो भारत माँ की सेवा करता है। हाल ही में बाबा रामदेव एनडीटीवी युवा कॉन्क्लेव में भी शिरकत करने आए। इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन करने की बात से इनकार कर दिया। बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिया। युवा कॉन्क्लेव में बोले, मैं सर्वदलीय भी हूं और निर्दलीय भी। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना लोगों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी कठिन मेहनत करते हैं, सरकार को कम करनी होगी महंगाई। युवा कॉन्क्लेव में महंगाई के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा, मैं या आप कहीं या ना कहीं मोदी सरकार को ये महंगाई तो कम करनी होगी, अगर ये महंगाई कम नहीं की तो आग ले डूबेगी। उन्होंने कहा कि पहले मैं सक्रिय था मगर अब नहीं, मैं अब सर्वदलीय और निर्दलीय हूँ। मैं 2019 में मोदी सरकार का प्रचार नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी और सरकार को सुझाव दिया है कि 2019 से पहले तेल के दाम घटा लें। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल के दाम पर टैक्स कम किए थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।